नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। यदि आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी। सरकार की तरफ से 65 लाख कर्मचारियों और 50 लाख पेंशनर्स की महंगाई भत्ते व महंगाई राहत भत्ते पर शुक्रवार को होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में ऐलान हो सकता है। इसके अलावा इस बैठक में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामले और बचाव पर भी चर्चा होने की उम्मीदें हैं। शोभा करंदलाजे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाली फ्री राशन को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मोदी कैबिनेट की तरफ से 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर फैसला किया जा सकता है। यदि सरकार की तरफ से यह ऐलान किया जाता है तो कर्मचारियों के लिए यह नए साल का तोहफा माना जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अक्टूबर तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं। अक्टूबर के AICPI इंडेक्स में सितंबर के मुकाबले 1.2 अंक का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 132.5 के स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर में यह 131.3% था। यदि DA में 4% का इजाफा किया जाता है तो यह बढ़कर 42% पर पहुंच जाएगा। सितंबर में हुई DA हाइक के आधार पर अभी यह 38% पर है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा होगा। सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग के तहत हर साल 2 बार DA बढ़ाया जाता है। जनवरी 2022 और जुलाई 2022 में कुल मिलाकर 7% DA में इजाफा का ऐलान किया गया। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें DB News में।